बैट में रोलिंग कैसे की जाती है अपने देखिए। भाई पाल जी उस्ताद रोलर चलाते हुए बैट के अंदर बहुत ही बढ़िया कंपैक्शन देते हुए अपने गलफार इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है राजस्थान चूरू में। रोलिंग बैट पे इसलिए की जाती है ताकि बैट में फुल कॉम्पैक्शन आ जाए। एलएनटी का रोलर है 1190। देखिए बैट कितना शानदार बना अपना NS52। रोलर से चलते हुए उतर रहे हैं नीचे, देखना चाह रहे कहीं गिरिस विरिस लीकेज तो नहीं हुआ है ड्रम के अंदर से। ये हाई वाइब्रेशन का पास दिया जा रहा है, कॉम्पैक्शन वेट पड़ता है इसे, अपने सोयल को जमाया जाता है, कॉम्पैक्ट किया जाता है।